दोस्तों आज से कई सदियों पहले चाइना में क्विन डायनेस्टी का राज हुआ करता था। इस डायनेस्टी ने चाइना की पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे पहले एक पावर सेंट्रलाइज्ड स्टेट की स्थापना की। इस डायनेस्टी के एम्परर क्विन शी हुआंग, जिनको चाइना का फर्स्ट एम्परर भी कहा जाता था, उन्होंने वर्ल्ड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिरेकल्स द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किया। वैसे तो इसका मकसद लोगों का प्रोटेक्शन इंश्योर करना बताया गया, लेकिन असल में इसके थ्रू एम्परर ने अपनी डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज को एग्जर्ट किया। इस वॉल के कंस्ट्रक्शन में न जाने कितने पीजेंट्स, स्लेव्स और रिबल्स को फोर्सफुली ढकेला गया और इसको इंश्योर करने के लिए स्टेट की आर्मीज को भी डिप्लॉय किया गया। और यहीं से चाइना में ऑपरेशन और टायरनी की उस ट्रेडिशन की शुरुआत हुई जो वहाँ सदियों से चला आ रहा है। दोस्तों इतिहास का कोई भी पन्ना पलट कर देख लीजिए, आप इस बात से डिनाई नहीं कर पाएंगे कि आज तक जितने भी तानाशाह हुए उन सब में एक बीमारी पाई गई। वो बीमारी थी शक की। उनमें हमेशा अपनी सत्ता छिन जाने का डर बना रहता था और इसी डर के कारण को मिटाने के लिए वो अपनी तानाशाही की सभी हदें पार कर जाते हैं। चाइना में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कम्युनिस्ट चाइना के संस्थापक माओ ज़ेडुंग इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि माओ ने अपने शासनकाल में हिटलर और स्टालिन जैसे क्रूर तानाशाहों से भी ज़्यादा कत्लेआम मचाया। अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए उन्होंने ग्रेट लीप और कल्चरल रिवॉल्यूशन जैसे प्रोग्राम चलाए। इन प्रोग्राम में मरने वालों की संख्या हिटलर द्वारा मारे गए लोगों की संख्या से 8 गुना ज़्यादा निकल कर आई। और इस दौरान चाइना के लोगों के साथ जो हश्र हुआ वो यहाँ बताने लायक भी नहीं है। खैर इस बात को लगभग 50 साल हो गए हैं और आज चाइना की कमान प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के हाथों में है, लेकिन ऑब्जर्वर्स कहते हैं कि आज भी वहाँ के हालात में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं आया है। जिस तरह से चाइना आज अपनी सोसाइटी के डिफरेंट सेक्टर्स में रूल्स और रेगुलेशन को टाइटन कर रहा है, उन पर अपनी पकड़ को और भी ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, उसको देखते हुए कुछ इंटेलेक्चुअल्स और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये दावे के साथ कहते हैं कि शी जिनपिंग के नेतृत्व में चाइना आज एक बार फिर मॉडर्न कल्चरल रिवॉल्यूशन से गुजर रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसको कल्चरल रिवॉल्यूशन 2.0 का भी नाम दे चुके हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या सच में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पावर पर अपनी पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए माओ के उस बार्बरिक फेस को चाइना में रीइंस्टॉल कर रहे हैं। क्या सच में शी जिनपिंग चाइनीज हिस्ट्री के वन ऑफ द डार्केस्ट पीरियड्स को फिर से दोहरा रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम चाइना से जुड़े इन सभी सवालों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि आज शी जिनपिंग भी अपने प्रेडिसेसर्स की तरह अपने लोगों को एक ग्रेट एम्पायर बिल्डिंग का सपना दिखा रहे हैं, और ऑब्जर्वर्स कहते हैं कि वो भी इसको अचीव करने के लिए प्रॉस्पेरिटी और रिजुविनेशन के नाम पर अपने लोगों की लाइफ्स और लाइवलीहुड्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जब से वो 2012 में पावर में आए, वो CCP और चाइना पर अपना कंट्रोल मजबूत करते रहे। आज CCP से लेकर प्रेसिडेंसी तक, मिलिट्री से लेकर नेशनल सिक्योरिटी तक, शी जिनपिंग चाइना के हर डोमिनेटिंग पावर स्ट्रक्चर को हेड करते हैं। उनका नाम और उनकी आइडियोलॉजी चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन में सुनहरे शब्दों में लिखी गई है। शी जिनपिंग की पावर एब्सोल्यूट और उनके एम्बिशंस काफ़ी ड्रेडफुल हैं। यहाँ कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि माओ के बाद अगर चाइना में कोई लीडर इतना पावरफुल हुआ है तो वो है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग आज चाइना के हर एक सेक्टर और वहाँ के लोगों की ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं। आपको बता दें कि ये सब शी जिनपिंग की इनसिक्योरिटीज़ और मिस इन्फॉर्म्ड पैरानोइया के चलते किया जा रहा है। पैरानोइया एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड को दर्शाता है जहाँ हर समय आपको लगता है कि कोई हमेशा हर कदम आपके पीछे पड़ा है। इसको आम भाषा में परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ये ओवर मोटिवेटेड थ्रेट परसेप्शन शी जिनपिंग के हर कदम को जस्टिफाई करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, फिर चाहे वो अपने नेबरहुड की बाउंड्रीज में इल्लीगल प्रोवोकेशंस या साउथ चाइना सी में इंसर्शंस हो, इंडो पैसिफिक में नेवल एग्रेशन हो या उइगुर्स का परसिक्यूशन हो, ताइवान को करना हो या तिब्बत आइडेंटिटी को मिटाने की कोशिश हो, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का पर्ज हो या फिर चाइना के रिच और इन्फ्लुएंशियल पीपल पर अटैक, शी जिनपिंग के ये सभी कदम उनके पैरानोइया पर बेस्ड हैं। इसी को देखते हुए कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि शी जिनपिंग 21st सेंचुरी के मॉडर्न चाइना में अपने तरीके से कल्चरल रिवॉल्यूशन को थोपने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि CCP ने शुरुआत से अपने खिलाफ हर डिसेंट को दबाने की कोशिश की है, लेकिन हाल ही में हुए कुछ डेवलपमेंट्स की सीवियरिटी
और वाइड स्कोप को ट्रेस करें तो ऐसा लगता है कि चाइना एक बार फिर एक वाइड क्रैकडाउन मूड में आ चुका है। आइए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। दोस्तों, उनका सबसे पहला शिकार बने एंड ग्रुप के ओनर जैक मा। असल में जैक मा कुछ समय से सीसीपी की तानाशाही पर बार बार सवाल खड़े कर रहे थे। अक्टूबर 2020 में उन्होंने चाइना के बैंकिंग सेक्टर में कुछ बड़े बदलाव लाने की मांग की। बस तभी से सीसीपी की सरकार उनके पीछे पड़ गई। अक्टूबर 2020 में चाइनीज रेगुलेटर्स ने चाइनीज टेक जाइंट एंट ग्रुप को उसके 37 बिलियन डॉलर्स के आईपीओ को सस्पेंड करने के लिए फोर्स किया। यहां तक कि उनकी पूरी कंपनी के ऊपर एक जांच भी बैठाई गई। और इतना ही काफी नहीं था कि एक समय पर चाइना का सबसे अमीर व्यक्ति कहे जाने वाले जैक मा कुछ महीनों के लिए पब्लिक स्पेस से भी बाहर कर दिए गए। हालांकि इसके बाद उनके कुछ वीडियोस सामने आए हैं, लेकिन आज भी उनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी किसी के बारे में नहीं है। जिस तरह माओ ने सीसीपी के कुछ कैपिटलिस्ट कॉमरेड्स को ये कहते हुए अटैक किया कि वो माओ के चाइना की ओल्ड सोसाइटी को रिस्टोर करने के रिवॉल्यूशन को हाईजैक कर रहे हैं, उसी तरह प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी आज कैपिटलिस्ट पर चाइना में वेल्दी डिस्पैरिटी को क्रिएट करने का इल्ज़ाम लगाते हुए उन पर धावा बोल रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि शी पूरे पॉपुलेशन के लॉयल्टी गेन करने के लिए कैपिटलिस्ट पॉपुलेशन की वेल्थ को हार्नेस करना चाहते हैं। खैर, ये तो बस एक शुरुआत है। इसके बाद टेंसेंट, मीटुआन, फुल ट्रैक अलायंस, कानजूम, नितियास और न जाने कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज को टारगेट किया गया। कुछ टेक जायंट्स को तो ये कहकर उनका कंटेंट एलिमिनेट करने को कहा गया कि उनकी सर्विसेज इनकरेक्ट वैल्यूज जैसे कि मनी वर्शिप प्रमोट करती हैं। फरवरी 2021 में कम्युनिस्ट पार्टी के नए वेब रेगुलेटरी लॉस के चलते चाइनीज टेक स्टॉक्स से पूरे 1 ट्रिलियन डॉलर्स का सफाया कर दिया गया। जी हाँ, 1 ट्रिलियन डॉलर्स। जुलाई 2021 में चाइना के सबसे बड़े ऑनलाइन राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म दीदी को कंट्री के सभी ऐप स्टोर से रिमूव कर दिया गया। दीदी पर लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इलीगल तरीके से यूज करने का आरोप लगाया गया। इतना ही काफ़ी नहीं था कि इसके बाद रियल स्टेट को शिकार बनाया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाइना के लार्जेस्ट रियल स्टेट डेवलपर एवरग्रांड की। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रॉपर्टी जॉइंट एवरग्रांडे पर एक के बाद एक सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन चालू किए, जिसके चलते एवरग्रांडे आज 300 बिलियन डॉलर्स के कर्ज में फंसा है, जो चाइनीज जीडीपी के 2% हिस्से के बराबर है। खैर, ये तो बात हुई बिजनेस की। इसी कड़ी को आगे बढ़ाएं तो सीसीपी का अगला निशाना बनी चाइनीज म्यूजिक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। चाइना ने न जाने कितने रियलिटी शोज ये कहते हुए बैन किए कि वो वेस्ट से इंस्पायर्ड हैं और चाइना के कल्चर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने उन इन्फ्लुएंसर्स को भी बैन किया जो फेमिनिन वैल्यूज प्रमोट करते हुए दिखाई दिए। सितंबर 2021 में ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटर्स ने कई सेलिब्रिटी फैन क्लब वेबसाइट्स को ये कहते हुए बैन किया कि वो वेस्टर्न स्टाइल क्योटिक फैन कल्चर प्रमोट करते हैं, जो चाइनीज संस्कृति के खिलाफ है। इस इंडस्ट्री से कुछ वेल्दीएस्ट एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को टैक्स इवेजन और मिसबिहेवियर के नाम पर टारगेट बनाया गया। उदाहरण के तौर पर देखें तो चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट फेमस और रिचेस्ट एक्ट्रेस ज़ाओ वी को रातों रात फिजिकल और वर्चुअल स्पेस से कुछ इस तरह गायब किया गया कि ऐसा लगा मानो को अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और तो और, अभी हाल ही में चाइनीज गवर्नमेंट ने वीडियो गेम के रूल भी स्ट्रिक्ट किए, जिसके अंतर्गत उन्होंने बच्चों के लिए वीडियो गेम्स के समय को 3 घंटे तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इसके पीछे भी चाइना की ट्रेडिशनल वैल्यूज को सिक्योर करने का हवाला दिया गया। दोस्तों, मई 2021 में चाइना ने अपने कई प्राइवेट स्कूल्स पर अतिक्रमण किया। चाइना में आज लगभग 19,000 प्राइवेट स्कूल्स हैं। सरकार इन सबको अपने कब्जे में लेकर अपने हिसाब से चलाना चाहती है। और तो और, अगस्त 2021 में चाइना की प्राइवेट ट्यूशन इंडस्ट्री को भी बैन कर दिया गया। इस बैन ने चाइना की मल्टी बिलियन डॉलर प्राइवेट एजुकेशन इंडस्ट्री को रातों रात ध्वस्त कर दिया, जो इंडस्ट्री हर साल लगभग 137 बिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट कर रही थी, उसको आज एक नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बनाने का आदेश दे दिया गया। इतना ही नहीं, सितंबर 2021 में चाइनीज स्कूल्स के नेशनल करिकुलम में बड़े बदलाव लाए गए। टेक्स्ट बुक को प्रेसिडेंट शी के विजन के अनुसार फिर से लिखा गया। चाइनीज एजुकेशन मिनिस्ट्री ने प्राइमरी स्कूल्स के करिकुलम में एक नया सब्जेक्ट ऐड किया, जिसका नाम था शी जिनपिंग्स थॉट। इसके पीछे का मकसद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रमोट करना और वहां के बच्चों में उनके देश सीसीपी
और सोशलिज्म के प्रति कमिटमेंट जनरेट करना बताया गया। उन्होंने बताया कि वो सोशलिज्म के सक्सेसर्स और फोर बेयरर्स के लिए एक ऑलराउंड मोरल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल और एस्थेटिक फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट आज एक के बाद एक नए नए टारगेट्स ढूंढ ढूंढ कर उन पर क्रैकडाउन कर रही है। टेक टाइटन से लेकर रियल स्टेट डेवलपर्स तक, कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस से लेकर प्राइवेट ट्यूटर्स तक, गेमिंग कंपनीज से लेकर टीवी शोज तक, सेलिब्रिटीज से लेकर इन्फ्लुएंसर्स तक, आज चाइना में कोई भी सेक्टर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के क्रैकडाउन से इम्यून नहीं है। ये सभी चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं और वो है सीसीपी के द्वारा किया जा रहा स्ट्रक्चरल रेक्टिफिकेशन। और ये रेक्टिफिकेशन कैंपेन तो शी जिनपिंग के नेशन वाइड क्रैकडाउन का एक लेटेस्ट उदाहरण है। आपको बता दें कि 2012 में शी जिनपिंग ने पावर में आते ही एक एंटी करप्शन ड्राइव की शुरुआत की। 2018 में इसी ड्राइव को आगे बढ़ाते हुए इसमें ड्रग डीलिंग, गैम्बलिंग और दूसरे गैंग रिलेटेड क्राइम्स को भी इन्वॉल्व किया गया। हालांकि इस कैंपेन का मकसद चाइना के लॉ इन्फोर्समेंट ब्यूरोक्रेसी और जुडिशियल एजेंसीज में से करप्ट एलिमेंट्स को क्लीन करना बताया गया, लेकिन कुछ ऑब्जर्वर्स का कहना है कि इस कैंपेन के द्वारा शी अपने उन सभी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को टारगेट कर रहे हैं जो शी जिनपिंग के खिलाफ बोलने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अब आप शी जिनपिंग और माओ के कल्चरल रिवॉल्यूशंस के बीच पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं कि कैसे शी जिनपिंग चाइना के पावर कॉरिडोर्स पर तो पहले से ही कब्जा कर चुके थे, लेकिन अब वो सोसाइटी के बाकी पिलर्स पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। इससे ये समझ आता है कि इन सभी के एफर्ट्स के द्वारा वो चाइना में सीसीपी और खुद की पावर को लॉन्ग टर्म में सिक्योर करना चाहते हैं। हालांकि जैसे जैसे ये कैंपेन स्पीड गेन कर रहा है, ऑब्जर्वर्स इसमें माओइस्ट एरा की सिमिलैरिटीज ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पर एक क्रूशियल डिफरेंस नोट करते हैं। उसको डिस्कस करने से पहले एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दें कि भले ही शी को आज माओ से इक्वेट किया जाता हो, लेकिन असल में वो माओ के कल्चरल रिवॉल्यूशन के कोई फैन नहीं है। आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि शी जिनपिंग के फादर माओ की कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता थे, लेकिन एक समय ऐसा आया शी के पिता पर भी माओ के अगेंस्ट होने का आरोप लगाया गया। उनको बाकी विरोधियों की तरह टॉर्चर किया गया और बाद में जेल भी भेजा गया। शी की माँ को उनके पिता से अलग कर दिया गया और कुल 15 साल के शी को वहाँ के एक लेबर कैंप में भेज दिया गया। उनकी एक बहन भी थी जिन्होंने सबके चलते सदमे में आकर सुसाइड कर लिया। आगे चलकर जब शी ने सीसीपी को ज्वाइन करना चाहा तो उनको 9 बार मना कर दिया गया। लेकिन वहीं शी जिनपिंग आज चाइना के सबसे पावरफुल इंसान हैं। उनके करिश्मा ने आज माओ को भी पीछे छोड़ दिया है। खैर, कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि शी जिनपिंग और उनके फादर भी माओ ज़ेडुंग के कल्चरल रिवॉल्यूशन के शिकार थे। तो एक वजह तो ये है जिसके चलते शी जिनपिंग उस दौर को फिर से नहीं दोहराना चाहेंगे। इसके अलावा किंग्स कॉलेज के प्रोफेसर कैरी ब्राउन द कॉन्वर्सेशन में लिखते हैं कि शी और माओ के मोटिवेशंस काफ़ी अलग हैं। जहाँ एक तरफ माओ एक ट्रेडिशनली इंस्लेव्ड और स्टैग्नेटिंग कंट्री को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर अपनी खुद की आइडियोलॉजी पर बेस्ड एक मॉडर्न सोसाइटी में तब्दील करना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए एक बॉटम अप अप्रोच अपनाया था, जिसके चलते वहां पर लोगों ने सड़कों पर उतरकर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई। और ऐसे में माओ को ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए आर्मी के मशीन गन्स, मोर्टार्स और टैंक्स का सहारा लेना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि प्रेसिडेंट शी का गोल इससे कई ज़्यादा सिंपल है और वो इसके लिए टॉप बॉटम अप्रोच यूज़ करते हैं। वो केवल इतना इंश्योर करना चाहते हैं कि उनकी पार्टी पॉलिटिक्स के अलावा चाइनीज सोसाइटी के बाकी एस्पेक्ट में भी अपनी प्रोमिनेंस बरकरार रखे। इसको आसान शब्दों में कहें तो शी माओ की तरह 21st सेंचुरी चाइना को पूरी तरह वाइप आउट नहीं करना चाहते, बल्कि वो सो कॉल्ड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस डिस्ट्रैक्शंस जैसे कि वीडियो गेम्स, सेलिब्रिटी कल्चर एक्सेट्रा को हटाकर लोगों के दिमाग में खुद की और अपनी पार्टी सीसीपी की छवि को मजबूत करना चाहते हैं। न्यूयॉर्क की सिटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिंग जिया द फाइनेंशियल टाइम्स में इसी बात को एम्फसाइज करते हुए ये दावा करते हैं कि शी हैज़ नेवर बीन अ वायलेंट रिवॉल्यूशनरी लाइक माओ। अब ये बात कितनी सही या कितनी गलत साबित होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि किसी भी सरकार का उनके लोगों की जिंदगी में इस तरह दखल देना लोगों के हित के लिए कभी फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये थी कहानी चाइना में आने वाले एक पॉसिबल कल्चरल रिवॉल्यूशन की। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।